परीक्षा की तारीख बढ़ाने की मांग को लेकर विश्वविद्यालय में छात्रों ने कराया मुंडन, कुलपति को सौंपा ज्ञापन। गौरतलब है कि विश्वविद्यालय में परीक्षा फॉर्म भरे जाने की बुधवार को अंतिम तिथि है। बहुत से छात्र ऐसे हैं जिनका रिजल्ट घोषित नहीं किया गया, ऐसे में 25 अप्रैल को अंतिम तिथि होने के कारण छात्र कैसे परीक्षा फॉर्म भर पाएंगे, इसी बात को लेकर छात्रों में आक्रोश है और छात्र परीक्षा की तारीख बढ़वाना चाहते हैं। इसी बात को लेकर छात्रों ने विश्वविद्यालय में बुधवार को धरना प्रदर्शन किया और इसके विरोध स्वरूप अपना मुंडन भी करवाया। छात्रों का कहना है कि 25 अप्रैल तक परीक्षा फॉर्म भरे जा रहे हैं और विश्वविद्यालय 27 अप्रैल को परीक्षा लेगा, ऐसे में एक दिन के अंदर विश्वविद्यालय कैसे प्रवेश पत्र जारी करेगा, जबकि अभी तक सभी कक्षाओं के रिजल्ट जारी नहीं हुए हैं और ना ही 90 दिन की कक्षाएं ही पूरी हुई हैं, ऐसे में कैसे परीक्षा होगी। छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। परीक्षा तिथि बढ़ाए जाने की मांग को लेकर छात्रों ने विश्वविद्यालय के कुलपति को ज्ञापन भी सौंपा है। जो भी छात्र यहाँ आता है तो उसके उसको रुकने के लिए यहाँ व्यवस्था नहीं है, आप व्यवस्था करवा दीजिए। कभी भी वो रेलवे स्टेशन में रुकता है तो कभी बस स्टैंड में रुकता है, लेकिन विश्वविद्यालय प्रशासन इसके लिए सुन नहीं रहा है। विश्वविद्यालय प्रशासन से एक मांग गौर की गई थी कि जो जब विश्वविद्यालय प्रशासन की लापरवाही होती है और उसमें छात्र की कोई गलती नहीं होती है, छात्र ससल की परीक्षा देता है, प्रैक्टिकल की परीक्षा देता है, थ्योरी की परीक्षा देता है, तो छात्र क्यों भटकता है यहाँ? आप लोग अब्सेंट लगा देते हैं, आप लोग रिजल्ट लगा देते हैं और छात्र अपना समय बर्बाद करता है, अपना पैसा बर्बाद करता है। 300-400 किलोमीटर दूर से आता है, उसका एक दिन का 1000 रुपये का खर्च पड़ता है, या रुकने के किराया, केवल रुकने का खर्चा, खाने का खर्चा खर्च पड़ता है। लेकिन विश्वविद्यालय प्रशासन ने इस बात को भी नहीं स्वीकारा। विश्वविद्यालय प्रशासन से यही मांग थी कि जितना बजट उसका आए, आने जाने का, परिवहन का खर्चा, खाने का खर्चा, रुकने का खर्चा, जब उसकी कोई गलती नहीं है तो विश्वविद्यालय प्रशासन उसका पूरी भरपाई करे। लेकिन विश्वविद्यालय प्रशासन ने इस बात को भी नहीं स्वीकारा। हम लोग मांग किए हैं कि जो जिस प्रोफेसर के ऊपर छेड़छाड़ का आरोप लगाएगा उसको तुरंत गिरफ्तार किया जाए, लेकिन विश्वविद्यालय प्रशासन उसमें भी नाकाम रहा। और हमारे विश्वविद्यालय में इस तरह के बलात्कारी प्रोफेसर आज से आने भी नहीं चाहिए और ना इस तरह के प्रोफेसरों का इस विश्वविद्यालय में राज होगा। बीसी साहब से एक निवेदन और किए थे कि आप लोग परीक्षा की रिजल्ट को, परीक्षा तिथि को बढ़ा दीजिए 27 से, अभी आप 25 तारीख परीक्षा फॉर्म की डेट है, आज लास्ट डेट है, आप लोग भी जानते हैं, केवल 26 तारीख का एक दिन समय है, 27 तारीख को आप परीक्षा ले रहे हो, कैसे आपका बच्चों का प्रवेश पत्र जारी होगा, कैसे बच्चे परीक्षा में पहुंच पाएंगे, कैसे? इन सब के विरोध में बीसी साहब ने एक भी बात नहीं मानी और एक भी बात नहीं सुनी। बस इसी के विरोध में हम सभी छात्रों को आज सर मुंडन करवाना पड़ रहा है।